नमस्कार, आप देख रहे हैं संग्राम और आपके साथ मैं हूं शरण। भारत विविधता से भरा हुआ देश है। यहां पर अलग अलग संस्कृति मजहब के लोग अपनी उपासना पद्धति से अपनी आस्था के साथ अपने धर्म को मानते हैं और इन धर्मों के अपने प्रतीक चिन्ह और तमाम बातें भी हैं जिनके आधार पर वो धार्मिक उपासना को अपनाते हैं। लेकिन इन दिनों भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। किसी को टीके से दिक्कत है, किसी को कलावे से दिक्कत है, कोई अगर अपने धर्म से परे जाकर किसी दूसरे धर्म की उपासना पद्धति को स्वीकार करता है तो उस पर भी संग्राम है। आखिर जब हम नए भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की सवाल वाली रीतियां कब तक चलेंगी? जो देश कबीर, रहीम, सुदामा और तमाम ऐसे संतों का रहा हो जिन्होंने विभिन्न धर्मों को एक साथ लेकर एक उपासना पद्धति को अपनाते हुए एक संदेश दिया हो, वहां पर मजहब के आधार पर यह महाभारत रोज रोज क्यों छिड़ रही, आज इसी पर हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर, आप नहीं बोला, बोला तुम डॉक्टर अकेले बोल रहे हो जबकि मेरा नाम के आगे अकेला है, अकेले बोल रहे हो। तो मैंने कहा जी बोल रहा हूँ कि बोला कि जहाँ मैंने उसे क्या नाम है कन्हैया कुमार को और डॉक्टर उमेश को भेजा वहीं तुझे मैं भेज रहा हूँ। मैं भारत माता की जय बोलने वाला हूँ, भारत माता से मोहब्बत करने वाला हूँ, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला हूँ, अपने वतन पे जान निछावर करने वाला हूँ। तो ये कहते हैं कि तुम आतंकवादी हो। सर, इनको आतंकवादी का लकब दे रहे हैं। अगर मेरा अच्छे संबंध है हमारे गुरुजी, हमारे महाराज हनुमान जी, राम जी, रामदास जी, ये हमारे होटल पे उद्घाटन करने सर गए थे, हमारे अच्छे मान सम्मान हैं, हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात में अगर हमको ये बुलाते हैं तो हर तमाम सारे प्रोग्राम में अयोध्या भी पहुँचते हैं सर। मैं कई बार अयोध्या जा चुका हूँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग इस तरीके से घटना कर रहे हैं सर। आज मेरा गला काटने के लिए बात कर रहे हैं, फांसी देने के लिए बात कर रहे हैं सर। किसी की हिम्मत नहीं है, आप ये समझ लीजिए, ये जुदा करने की तो बहुत दूर की बात है, किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, जुदा करना तो बहुत कहना बहुत आसान है, उसकी पीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, नस्लें समाप्त हो जाएंगी और यहाँ किसी की औकात नहीं है। अगर यहाँ ये दुस्साहस किसी ने कर भी दिया तो हम कह रहे हैं 7 पीढ़ियों तक को ख़त्म कर दे। अब कोई देश के बाहर बैठ करके कोई फ़ोन कर दे तो उसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई आके तो दिखाए या लोनी में कोई इस तरह की हरकत करके दिखाए, उसका जुदा तो बहुत दूर की बात है, टुकड़े नहीं मिलेंगे लोनी में। तो कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है, सवाल यह नहीं है। सवाल उस साझी संस्कृति का है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में भारत लेकर धर्मगुरु की विरासत को संभाल रहा है, सवार रहा है और नए भारत को उकेर रहा है। आखिर इस नए प्रतीक चिन्ह वाली लड़ाई के पीछे वजह क्या है? क्यों हम पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? अंबेडकर नगर में एक मुस्लिम ने हिंदुओं का समर्थन किया तो उनको सरतन से जुदा की धमकी मिलने लगी। बिजनौर में डॉक्टर को अमेरिका से धमकी मिल रही है नूपुर शर्मा के बयान को समर्थन देने के लिए। आखिर ये वाली सोच कहां से पनप रही है, कौन इसे पोष रहा है और आखिर इनको लेकर लड़ाई कब तक चलती रहेगी, इसी पर आज की बहस, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आमिर साबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और नितिन चतुर्वेदी जी हैं, नेता हैं हिंदू महासभा के। आमिर साबरी जी आपके पास ही सबसे पहले आएंगे। अभी आपने सुना होगा अंबेडकर नगर में जिस तरह से एक शख्स है, उन्होंने हिंदू लोगों का समर्थन किया, उन्होंने गणेश पूजा का समर्थन किया, तो फिर उनको सरतन से जुदा होने की धमकी दी जा रही है। ये है आज की विकसित प्रोग्रेसिव थॉट। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी कि आपने चर्चा मुझे शामिल किया। देखिए, कहीं कोई तन से जुदा नहीं कर रहा, ये सब राजनीतिक स्टंट हैं जो अपनाए जा रहे हैं। जो जो चुनाव करीब आएगा, इस तरीके की एक मुद्दा नहीं, तमाम मुद्दे इस तरीके के सामने आएंगे। अभी आप देखिए जिस तरीके से पिछले एक महीने से, बल्कि ज़्यादा अगर चले जाए 3 महीने से, ज्ञानवापी का मुद्दा उठा, फिर हिंसाएं हुई नूपुर शर्मा को लेके, नवीन जिंदल को लेके, और इस तरीके के एक विधायक भी भाजपा के उसी राम में बहने लगे। कुल मिला करके देखिए सलेन जी, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी, अभी देखिए राजस्थान का एक कांड हुआ है, सर तन से जुदा, वास्तव में सर तन से जुदा किया गया, घटनाएं हो, लेकिन हाँ, लेकिन पूरी बात पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका तर्क भी मैं सुनूंगा। देखिए, राजस्थान की जो घटना हुई उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले, ये भाजपा का आईटी सेल काम कर रहा है कि किसी तरीके से एक समुदाय को टारगेट करके ध्रुवीकरण वोटों का कराना या तुष्टिकरण के तहत ये सब राजनीति चल रही है। कोई मुसलमान कहीं सर तन से जुदा कर रहा है, पूरी घटना एक घटना मात्र है, एक घटना, वो भी मुसलमान शक्ल सूरत के वो जरूर हैं लेकिन है भाजपाई। तो इसी तरीके से तमाम जगह बम विस्फोट हुए, आज भी हजारों मुसलमान आतंकवाद के उसमें जेल में है, लेकिन क्या है, टोटल सारे बम ब्लास्ट आरएसएस ने करे। देखिए शैलेंद्र जी, बॉम्बे में मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, आरएसएस ने किया,
लखनऊ की हाईकोर्ट पे हुआ आरएसएस ने किया, बॉम्बे में हुआ आरएसएस ने किया, हैदराबाद में हुआ आरएसएस ने किया, राजस्थान अजमेर शरीफ की दरगाह पे बम ब्लास्ट हुआ आरएसएस ने किया, और बंद कौन है आतंकवाद मुसलमान तय हुआ, ये तमाम नहीं, ये तमाम चीजें कहां से तय हुई, प्रज्ञा ठाकुर क्या है, असीमानंद क्या है, क्या हैदराबाद वाले कांड में असीमानंद थे, प्रज्ञा ठाकुर नहीं है, सारे के सारे संघी लोग निकले, संघ के लोगों ने किया है, लेकिन बदनाम कौन हुआ, मुसलमान, आज भी हजारों आतंकवादी के नाम पर मुसलमान, अभी जाते आते अगले सरकार में सैफुल्ला कांड हुआ, मैं तो खुद कह रहा हूं, सुन लीजिए, इनकाउंटर हुआ था आतंकवादी के नाम पर, और बाद में जब योगी सरकार आई तो वो भी बेचारा निर्दोष साबित हुआ, तो कुल मिला के एक मुस्लिमों को टारगेट हर सरकार में बनाया जाता है, तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इस सरकार में भी चल रहा है, कोई सर तन से जुदा नहीं कर रहा है। आप मेरी बात समझे नहीं, मेरा सवाल ये था ही नहीं कि कौन जो ये कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जुडिशियल सिस्टम है, अगर कोई यहाँ पर गलत साबित होता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, लेकिन अंबेडकर सहमत है, जो अंबेडकर नगर में हुआ वो तो मुस्लिम शख्स है, जो अलीगढ़ में हुआ अभी अंबेडकर नगर में हुआ है, अभी अभी कल परसों की घटना है कि एक मुसलमान लड़का अपने हिंदू दोस्त की जान बचाने के लिए कूदा, ये तो देश है, यही तो भारत, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारी सभ्यता है, लेकिन राजनीतिक लोग जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड के तहत वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के बयान निभा देते हैं, जांच हो जाए तो भाजपा का जरूर नहीं, मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानता, ये तो समाज की साझी जिम्मेदारी है, हर तरफ से ये पहल होनी चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह से कर रहा है, नफरत फैला रहा, धमकी दे रहा, धर्म के नाम पर डरा धमका रहा है, किसी प्रतीक चिन्ह से लेकर उसे कोई परेशानी है, तो हमारा जो समाज है उसमें सबको एक साथ आना चाहिए सामने। नितिन चतुर्वेदी जी, जो बात आमिर साबरी जी कह रहे हैं, क्या उनसे आप सहमत है, किसी एक संगठन किसी पार्टी की वजह से ऐसी मानसिकता बढ़ रही है, या फिर ये कोई मजहबी बंदिशें हैं, रूढ़ीवादी सोच है जो बार बार आड़े आ जाती है, और सोशल मीडिया के दौर में ये बड़ा आसान हो गया है कि किसी को कहीं से भी आप फोन कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए कि साहब आपने फलाने का समर्थन कर दिया, आपने धमाके वाली सोच को आगे बढ़ा दिया, तो हम आपका सरतन से जुदा कर देंगे, आपको कौम से बाहर कर देंगे, आपकी वजह से कौम खतरे में है, ये सब चल रहा है आजकल। देखिए शैलेन जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, इन्होंने पूरी घटनाओं का जिक्र नहीं किया। अभी जब गणेश चतुर्थी हुई थी उसमें एक दिल्ली में घटना हुई थी, आपकी जानकारी में होगी, एक मुस्लिम युवक था जो गणेश चतुर्थी में चला गया था, उसी के मोहल्ले में कुछ मुस्लिम युवकों ने उसकी जान ले ली। इस घटना का जिक्र आमिर साहब ने नहीं किया, तो इस तरह की घटनाओं का जिक्र ये लोग नहीं करते, ये सिर्फ उन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हैं जिसमें कोई हिंदू इन्वॉल्व हो। 26/11 का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, जहां आतंकवादी घुसे उन्होंने कितने निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई, सारा जिक्र कर रहे हैं। देखिए अभी आपको मैं बात कर लीजिए, आपको मैं सुन रहा हूं, आपको सुन रहा था, मैंने नहीं बोला, नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं आप याद रखिएगा, मैं सब जिक्र करूंगा, बात तो सुन लीजिए। 26/11 का जिक्र इन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें मुस्लिम युवक थे, इन्होंने सिर्फ वही गए घटनाएं बताई जहां इनको आरएसएस पे कहे, कितने आतंकवादी पकड़े गए, अभी आप पिछली अगर घटना उठाए 2 साल पुरानी, तो देवबंद के एक मदरसे में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था, उसके ऐसे जिक्र नहीं किया। देखिए हम ये नहीं कहते सर, जहां जो हमारा टॉपिक है वो है जो आजकल ये एक भ्रम फैला हुआ है सर तन से जुदा करने का, तो मैं भी इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये कोई राजनीतिक वो स्टंट हो सकता है, मैं इनकी बात से पूरी तरह कलावे से परेशानी, लेकिन इसको किसी की किसी से जोड़ने हो सकता है, ये भाजपा को बदनाम करने के लिए क्या जा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हो सकता है भाजपा करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस बात पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की राजनीति जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये नहीं सोच रहे कि इससे आप एक समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जिससे बाजी, आपकी बात एकदम सही है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो कौन वो लोग हैं, मैं भी आपके आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि उन लोगों को चिन्हित करें ताकि एक समुदाय पे इस तरह की उंगलियां ना उठे। बिल्कुल जरूरी है कि कौन लोग हैं, ये कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, यदि वो मुसलमान है तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हर मुस्लिम पे हम उठा रहे हैं। अगर क्यों उठा रहे हैं? कोई मुस्लिम गणेश पूजा का समर्थन करता है तो कुछ गलत बताइए, क्यों उसको मार दिया गया? मुस्लिम युवकों ने उसके घर के बाहर उसके पिता के सामने उसकी हत्या कर दी, इतने निर्दयी हो गए क्या? गणेश पूजा में जाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? पीछे कोई बीजेपी वाले बात करते हैं, कोई सरकार है, कोई पार्टी है, यही गंगाजमुना तहजीब है हमारी कि एक एक मुस्लिम युवक कितने हजारों में हिंदू दिखा दूं आपको। नितिन जी आपको रोकूंगा, करिए वहां पे खुद उन्होंने कहा, नितिन जी आपको रोकूंगा, आपको रोकूंगा, आपको रोकूंगा। दरअसल ये बहस जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं उसके पीड़ित हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, डॉक्टर अरविंद बख्श अकेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और अमेरिका से इनके पास एक कॉल आई थी और ये कहा गया था कि साहब आपने जो एक हिंदूवादी पोस्ट का समर्थन किया है उसके बाद आप पर हम उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। अरविंद जी आपका डिबेट में स्वागत है, जरा बताइए अमेरिका से जो कॉल आई थी उसमें आपको किस तरह की धमकी दी गई थी, क्या क्या था आपने जो उनको नागवार गुजरा? बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। मैं अभी
आमिर सावरी जी के सारे बयान को सुन रहा था, अगर आमिर सावरी जी मेरे बात आप तक पहुंच पा रही हैं तो जरूर ध्यान से सुनिए। मेरा मानना यह है कि आप लोग एक दूसरे पार्टी के ऊपर, दूसरे पार्टी के ऊपर लांछन लगाकर कि ये भाजपा का व्यक्ति है, ये आरएसएस का व्यक्ति है, ये समाजवादी का व्यक्ति है, ये लोकदल का व्यक्ति है, ये ओबीसी का पार्टी का व्यक्ति है, आप लोग ये दूसरे पार्टी पर आरोप लगा लगाकर अपनी इंसानियत को क्यों खो रहे हैं? आपका भी तो कोई जिम्मेदारी है, आपका कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? आप दूसरे पार्टी पर आरोप लगाकर कि वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, मैं कह रहा हूँ जो जिस समाज में रहता, जो जिस जाति में है, वो अपने अपने जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते आप? मैं डॉक्टर अरविंद बस अकेला, मैं 24 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, बीएमएस एमडी हूँ मैं, और 24 साल से हमारे यहाँ जो इलाज करवाने लोग आते हैं उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अन्य भी है। मैंने कभी इस बातों के लिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने किया क्या था अरविंद जी, आपने किया क्या था कि अमेरिका से कॉल आ गई और आपको जान से मारने की धमकी दी गई? अमेरिका से जिस व्यक्ति ने कॉल किया था व्हाट्सएप कॉलिंग, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मेरा गलती क्या है मुझे बताओ, मैंने अपने ज्ञान में संज्ञान में मेरे कोई भी अगर पोस्ट डाला हो, किसी के दिल दुखाया हो, किसी के धार्मिक धर्म को आहत किया हो, धार्मिक भावनाओं को, तो आप मुझे बताइए। तो वो कहता कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा, गुनाहे रसूल का एक ही सजा, सरतन सजुदा, सरतन सजुदा, अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए, मैं एक डॉक्टर हूँ, 24 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे लिए सभी जो आने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ मरीज है, मैं उसके लिए डॉक्टर हूँ। बीजेपी है कोई इसके पीछे, कोई पार्टी है? अब आपको लग रहा है जो बात बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, तो सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सबका इलाज है। अच्छी बात है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ना खुदा होता है, इसको ईश्वर ही मतलब भगवान ने रूप दिया है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है बड़ी हैरत की बात है जब हिंदुस्तान में तरीके की कानों की कमी रही है। ये नेटवर्क बता रहे हैं, ये नेटवर्क बता रहे थे कि कहाँ तक जहर फैला हुआ है, कभी किसी जहर की जड़ें कहाँ तक फैली, बलात्कार के फेवर में जरूर नहीं निकाला, किसी मुस्लिम ने किसी हत्यारे अरे उसकी जांच कराइए, उसको जेल भेजिए, हम तो आपके आप ही के समर्थन में बात कर रहे हैं, आप जांच कराइए, जेल भेजिए, सारे मुद्दे मूल मुद्दों पर बात ही ना हो। आप शिक्षा पे बात ना करें, आप रोजगार पे बात ना करें, आप विकास पे बात ना करें, आप कानून व्यवस्था पे बात ना करें, सारे मुद्दे जो जो चुनाव करीब तमाम मुद्दे आते रहेंगे, तमाम डिबेट्स होती रहेंगी इसके ऊपर। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है साहब कि जब हम आज आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हमें सरतन से जुदा पे डिबेट करनी पड़ती है, कहां बात पर डिबेट। अरे आधुनिक जगह कहां कोई रोक रहा है, करिए तो आप सही। ये सर अमेरिका जो कभी आ रही है तो ये प्रोग्रेसिव सोच से नहीं है, वो तो चढ़ाने के लिए और दूसरी कांग को गुमराह करने के लिए तमाम इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। चलिए हमारे साथ शमसी आजाद जी भी जुड़ गए हैं, शमसी आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमसी आजाद जी, जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, अंबेडकर नगर में एक शख्स ने गणेश जी की पूजा कर ली, उनके चित्र का समर्थन कर दिया, पोस्ट कर दी, तो उसको सरतन से जुदा की धमकी दे दी। ये अमेरिका से सॉफ्ट डॉक्टर हैं गाजियाबाद के, इन्होंने एक हिंदूवादी पोस्ट का समर्थन कर दिया तो अमेरिका से कॉल आ गई सरतन से जुदा कर देंगे। ये कौन सी सोच है साहब, ये कौन से जहर है जो यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक में बिक रहा है? शैलेंद्र जी, नफरत, मैंने किसी नफरत का फैलाने वाले लोग हैं। आपको जानकारी पूरी नहीं है, मैंने किसी भी पोस्ट का समर्थन नहीं किया, किसी अपने तरफ से कोई पोस्ट नहीं किया। मेरा आमिर सावरी जी से सिर्फ एक ही सवाल है मेरा। आमिर सावरी जी प्लीज ध्यान पूर्वक सहनशीलता से सुनिए, मैं आपके बात को पूरी तरह से सुन रहा था। मेरा मानना ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बिरादरी का, सबसे पहले हम इंसान है या नहीं है? अगर हम इंसान हैं तो आप राजनीति के तरफ क्यों भाग जाते हैं? आप जिस मुद्दा पर बहस हो रहा है ना, इस मुद्दा पर बहस करिए कि गुनाहे रसूल का एक ही सजा, सरतन सजुदा, सरतन सजुदा। ये बिल्कुल अब इसी बात का जवाब दे रहे हैं आप, किसी सवाल का जवाब शमसे जी दे रहे हैं। ये हमारे देश का है क्या? हमारे देश का है क्या? ये बाहर के देश आया हुआ है और आप उसको यहाँ पर लागू करना चाहते हैं? और तू कोई मुसलमान आपत्ति जताएगा? तमाम मुसलमान इस तरीके की हरकतें करते हैं। ठीक है, माई डिबेट में शमसी आजाद जी आ चुके हैं, माई डिबेट में शमसी आजाद जी आ चुके हैं। अरविंद जी आपकी बात हम सुन चुके हैं, उसका जवाब
उसका जवाब शमसी जी देंगे। शमसी जी, ये संविधान वाला देश है, यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग आज से नहीं रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, और जितना हिंदू ने इस देश को बनाया उतना ही मुस्लिम ने भी बनाया, लेकिन ये तालिबानी सोच, ये सरतन से जुदा वाली सोच, ये कौन थोप रहा है, ये कौन फैला रहा है, ये कौन डरा रहा है? डॉक्टर साहब, अब आपकी बात पूरी हो चुकी है, दूसरे की बात भी सुनिए थोड़ा देर। देखिए, डॉक्टर का जो है सभी सम्मान करते हैं, और डॉक्टर जो है तो बेशक जो है ईश्वर का रूप होता है, और इसको जिसने भी धमकी दी है, मैं सरकार से कोशिश करूंगा कि उनकी जांच की जाए। एक मामले नहीं है समसे जी, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अभी जो है नोएडा वाला है, इसके पहले आपने बताया वो कि गणेश जी की मूर्ति का उन्होंने, और एक हमारी मुस्लिम महिला थी, उन्होंने भी अपना गणेश मूर्ति जो अपने घर में गणेश की स्थापना की थी, उसके बाद विसर्जन वगैरह किया। अब यहीं पे देखिए ना कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, जहाँ मुसलमान बढ़ चढ़ कर पहले जो है संदेश देता था, मोहब्बत का संदेश देता था, भाईचारा का, आज वो कुछ लोग आपकी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो करें कि नहीं, लाल का जो मामला हुआ उसमें भी आप थे। आमिर साबरी साहब का जवाब मैं दूंगा, अभी सुन लीजिए पहले। जो उत्तर प्रदेश में, जो हिंदुस्तान में अमन चैन 8 साल से बना हुआ है, इसको कुछ कट्टरपंथी जो है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में जो अमन चैन बना उससे हुआ है। क्या दिक्कत हो रही उनको? यही हो रही है, यहाँ पर दंगा नहीं हो रहा है, यही हो रहा है कि यहाँ पर सहारनपुर जैसा दंगा नहीं हो रहा, मुजफ्फरपुर जैसा दंगा नहीं हो रहा, अयोध्या जैसा दंगा नहीं हो रहा, फैजाबाद जैसा दंगा नहीं हो रहा, बनारस जैसा दंगा नहीं हो रहा, जो पिछली सरकारों में लगातार होता आ रहा था और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, यही कट्टरपंथी थे जो लगातार फतवे दिया करते थे। लेकिन आज योगी सरकार में ऐसा कोई नहीं है कि जो इस तरीके की हरकत करे, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ मनबल लोग हैं जिनका पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है और उसको जो है राजनीतिक मुद्दा देकर उसको बहकाने का और भड़काने का काम करें। लेकिन आप यकीन जाने कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं रह गया कि जो इन तरीकों के मुद्दों पर दंगा करे, फसाद करे। साहब, ये देखिए ना, जो हमारे धार्मिक, हमारे जो धार्मिक प्रतीक है, चिन्ह है, एक जगह कलावा पहन लिया तो साहब पाबंदी लगा दी, किसी ने तिलक लगा दिया तो उसमें तकरार हो रही है, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये मैंने बताया ना शैलेंद्र जी कि ये वही कट्टरपंथिता है और इसी को पीछे से पुशअप किया जा रहा है। कैसी परेशानी है? इसमें भी राजनीति उपासना पद्धति से कैसी परेशानी है? नहीं, इसमें राजनीति की जा रही है ना, इसमें पीछे से पुशअप किया जाता है कुछ ऐसे लोगों को, पैसा देकर, चंदा देकर। अब ये देखिए कि मदरसों की बात जो चल रही थी, मदरसों में अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो अब वही सब बातें निकल कर आ रही है, चाहे कानपुर का दंगा ले लिए, चाहे इलाहाबाद की पत्थरबाजी प्रयागराज के ले लिए, चाहे सहारनपुर का ले लीजिए, चाहे कहीं का भी। पर आमिर साबरी जी तो कह रहे हैं इन सबके पीछे आप हैं, आपकी साजिश है सारी। वो तो कह रहे हैं कि कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ उसमें भी आपकी लिंक सामने आया। जो वीडियो वायरल हुए जो फोटो वायरल हुए वो किसके साथ है? सारे भाजपा नेताओं के साथ है। और जैसे शमसी भाई अभी हमारे कानपुर और प्रयागराज की हिंसा की बात कर रहे हैं, तो ये आंखों पर पट्टी बांध के बात कर रहे हैं। इसलिए कानपुर की हिंसा में पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रहे हैं, अराजक तत्व जो है बम चला रहे हैं। अरे साहब, पुलिस वाले दंगा कर रहे हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए तो पुलिस वाले दंगा कर रहे हैं क्या? बात करने कर रहे हैं, कितने सरतन से जुड़ा हुआ है आप बताइए। आप चाहते हैं कि सरतन से जुड़ा हुआ है? आप सुनिए, आप सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों का स्वागत किया, आपने कश्मीर में बलात्कारियों का स्वागत किया, आपने जो हाफिज जुनैद को चलती ट्रेन से फेंका दिया, आपने जो दुनिया के लिए अमन चैन का पैगाम है, वो रसूल जो दुनिया के लिए शांति का प्रतीक है, अगर उसकी शान में कोई गुस्ताखी करता है, रसूल खुदा की शान में खुद कूड़ा फेंकता है। अरे आपके नेता लोग करते हैं। नूपुर शर्मा ने करा, क्या कार्रवाई हुई? नवीन जिंदल ने करा, अभी लेटेस्ट एक भाजपा के विधायक ने करा, क्या कार्रवाई हुई बताएं आप? अरे सर, आप तौर पर क्या होता है? आमिर साहब जी की बदतमीजी कर रही है, अपॉर्चुनिटी पड़ी गई है किसान में। आप ये कह कह करके आप कौम को गुमराह ना कराए, कौम को गुमराह ना करें, समझ साहब ना, कौम को गुमराह ना करें। कौम के ठेकेदार नहीं, ठेकेदार हैं आप मुस्लिमों में पैदा हुए, कौम के ठेकेदार हैं आप। नहीं, ठेकेदार आप हैं तो हम क्यों ठेकेदार हैं? बिल्कुल आप ठेकेदार कोई नहीं है, ठेकेदार कोई नहीं है। आमिर जी, समझे जी, आमिर जी, समझे जी, बात में पहले मुस्लिम है नहीं, पहले मुस्लिम है। अरे साहब, पहले भारतीय हैं, पहले बीजेपी के नहीं है, पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, वो पहले भारतीय हैं, वो कर रहे हैं, पहले भारतीय हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। आकर बैठने वाले मुस्लिम स्कॉलर वो भड़काने का काम करते हैं। हमने हमेशा देश में अमन चैन की बात की है और हम हमेशा मुसलमानों ने, चलिए नीतीश जी के पास आएंगे, नीतीश जी के पास आएंगे आमिर जी, क्या बात कर रहे हैं? कहां निकले बताइए, कहां निकले? सुबोध कुमार
से इंस्पेक्टर मारा गया उसके हथियारों का आपने स्वागत किया। पुरानी जड़े मत खोदिए ना, पुरानी जड़े मत खोदिए, आज की बात करिए, आज क्या हो रहा था। उसने मजदूर को लेके गया, कुल्हाड़ी से काटा, उस पर पेट्रोल डाल के आग जला दी, आपने उसके फेवर में जुलूस निकाले, जब वो छूट गया आपने स्वागत किया। साहब ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस या किसी पार्टी की नहीं है साहब, ये समाज की बात है, भारत के संदेश की बात है। ठीक है, नितिन जी के पास चलेंगे। नितिन जी भी हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं। नितिन जी, पार्टियों की अपनी सोच हो सकती है, विचार हो सकते हैं, लेकिन समाज का एक विचार है, एक स्वरूप है, जिसमें हर मजहब के लोग समाज में अगल बगल ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही है, चिंताजनक है। ये जो सोच पनप रही, चाहे किसी भी वजह से पनप रही हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा हो, लगातार जिस तरह से धमकियां दी जा रही, कोई अगर हम कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव सोच की ओर बढ़ रहे हैं, हम दूसरे धर्म की अच्छी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं और यही भारत की संस्कृति रही है, तो इसमें समस्या कैसी है? तिलक और कलावे को लेकर क्यों कलह मची हुई है? देखिए शैलेन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अजमेर शरीफ के अभी कुछ दिन पहले जब ये नारा चला था, तो मैंने अजमेर शरीफ के जो दुकानदार हैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ पे 70% हिंदू आता था, 70%। ये इस देश की खासियत है, ठीक है, कि हम जाते हैं पूरे सम्मान हिंदू के साथ जाते हैं, आप सोचिए धर्म, आप सोचिए बात को, 70% हिंदू मस्जिद जाता था, ये इस देश की तहजीब है। और आमिर साबरी साहब कह रहे हैं कि अब मुसलमान करते हैं, अब आप सुनिए AIM की जो महिला पार्षद थी, नरेंद्र जी की फोटो का समर्थन करते तो दिक्कत है, सुनिए AIM की जो मुस्लिम पार्षद थी, लगाया कभी रोका हमने, बताइए धमकियां कौन जारी कर रहा है? जब ये राजा को गिरफ्तार किया गया था, उसको छोड़ा गया, तो उसने भी नारा लगाया, और ओवैसी जी कहते हैं कि मैं इस नारे का विरोध करता हूं, और उन्हीं की पार्षद ये मुस्लिम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, इसमें ये उन घटनाओं की बात ही नहीं करते। नहीं देखिए नितिन जी, नितिन जी और शंभूनाथ रायगवार बहुत सारी घटनाएं। नितिन जी, मैं देखिए बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं समाज में बहुत छोटा जो आदमी है, जो सिंपल आदमी है, जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, जो मैं एक बात रख रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। हम हिंदू मुस्लिम पे लड़े, हम पार्टियों पे लड़े, हम सियासत पे लड़े, हम विचारधारा पे लड़े, उससे कुछ निकल के नहीं आएगा। कॉमन आदमी जो एक डॉक्टर है, देखिए गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, जो सामान्य दिनचर्या में लीन रहते हैं, उनका एक प्रोफेशन है कि वो हिंदू की भी इलाज करते हैं, वो मुस्लिम का भी इलाज करते हैं, अगर उनको इस तरह की अड़चने आ रही है दैनिक जीवन में, अगर एक मजहबी सोच उनके लिए बाधा बन रही, तो ये समाज में बड़ी चिंता का विषय है साहब। हम इसे किसी राजनीति के दृष्टि से देखें, हम इसमें वैसी की एंट्री करा दें, बीजेपी की एंट्री करा दें, किसी दूसरी पार्टी की एंट्री करा के हम इसको दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम ये है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैंने कहा जो निचला तबका वो तक इस जहर का शिकार हो रहा है। शैलन जी, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैंने खुद एक बात कही कि देखिए उन लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैंने ये भी नहीं कहा कैसे लगाम लगेगी साहब, कैसे जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, अमेरिका तक से कॉल कैसे आ जा रही है, मैं ये पूछ रहा हूं इन डॉक्टर का नंबर अमेरिका तक कैसे पहुंचा होगा? अब ये तो किसने पहुंचा दिया? ये तो जांच का विषय है, सरकार का पर इकबाल कहां गया? इकबाल है नहीं सरकार का? ये देखिए, ये तो जांच का विषय है, यहां बहुत सारी घटनाएं थी, जहां ये सरकार के नुमाइंदे बैठे, ये आप उनसे अभी तक तो हिंदुस्तान विदेश का मामला बनेगा कि जिस हिसाब से हम आपस में लड़ने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हम आपस सही है, ये पहले तो हिंदुस्तान का अगर कोई आदमी होता तो जाहिर सी बात है चलिए पकड़ लिया जाता, उसको सजा दी जाती, अब जब अमेरिका से फोन आ रहे हैं तो नितिन जी सही कह रहे हैं कि जांच का विषय है, हमारे साथ जांच करने को ठीक है। ये सवाल अरविंद जी से ही क्लियर कर लेते हैं। अरविंद जी, जब आपके पास अमेरिका से कॉल आई, आपको कैसे पता चला कि अमेरिका से कॉल आई? आपने पूछा उनसे कि आपका नंबर उनको कैसे मिल गया, क्यों वो इतना आपके ऊपर भड़के हुए हैं, क्यों आपको धमकियां मिल रही हैं? अरविंद जी, जी जी शैलेंद्र जी, मेरा सिर्फ दो सवाल है आमिर जी से। मैं यहाँ पर जो आप आज जो हमें विषय दिए थे, वो विषय दिया था कर्तव्य जुदा का, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपकी डिबेट में विषय से भटक गए ये लोग। मेरा मानना ये है कि जो सर तन से जुदा का जो ये मैटर है, जिसका मैं भुगत भोगी हूँ, मेरा और मेरे परिवार, मैं और मेरा परिवार डर के साए में है, हम किस तरह से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे ही महसूस कर सकता हूँ। और इस तरह की धमकी अगर इन्हें आमिर जी को मिला होता तो ये महसूस करते। मेरा मानना ये है कि आज तक आमिर जी से मैं तीन सवाल करूंगा और छोटे छोटे सवाल है, मुझे बड़े धैर्य पूर्वक जवाब दीजिएगा। मेरा मानना यह है कि कन्हैया कुमार का जो सरतन से जुदा किया गया था, उसमें उन्होंने उसके बाद एक वीडियो वायरल किया था, उन्होंने कहा था कि भाइयों
मुझे दुआओं में याद रखना, ये वीडियो मैंने बढ़िया तरीके से, चाहे वो बीजेपी का बता रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन था, मैं पार्टी पर नहीं जाता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल पे नहीं जाता हूँ, आप ये बताइए कि वो जो दोनों व्यक्ति जो इस समय जेल में है वो मुसलमान थे या नहीं थे, एक अभी अभी सुन रही। दूसरा आप देखिए, एक मुस्लिम महिला हरमानी नाज जिसका नाम है और उसका आवाज भी भगवान ने बहुत अच्छा दिया ऊपर वालों ने, कल तक जो है वो बिल्कुल एक तरह से भीख मांगती थी अपने आवाज को बेचकर, उसके बाद उन्होंने एक भगवान शंकर के ऊपर गाना गाया, गायक है वो और उसकी आवाज अच्छी गाया, उसको जो है देवबंद से उनको जो है वो सरपंच से जुदा करने की धमकी, एक मिनट धमकी दे दिया। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में बनिए, पहले आप एक इंसानियत के नाते बात करिए। मैं आपके सामने इतना बड़ा भुगत भोगी बैठा हूँ, जो हमारे घर के साया में मेरी कट रही है, मैं अपने क्लिनिक तक कैसा आता हूँ, कल आपने सारे मीडिया पर आपने देखा होगा। मेरा मानना ये है कि आप मुद्दे से ना भटकें। आज जो ये ट्रैक चल गया है, जो ये सरतंस जुदा का, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, बिल्कुल ये हमारे देश में कैसे पनप रहा है, किसके सह पर पनप रहा है, और अगर ये हमारे मुस्लिम समाज के लड़के अगर बरगला करके माइंड वॉश करके अगर इस धंधा में उतारा गया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम भी जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है, तो क्या इन लोगों के लिए जो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, क्या इनके लिए सड़क पर बिल्कुल वक्त की कमी है हमारे पास अरविंद जी, फाइनल कमेंट लेंगे सबसे, बिल्कुल अरविंद जी हम आपकी बात समझ रहे हैं और फाइनल कमेंट लेंगे शमशेर जी आपसे ही, फाइनल कमेंट लेंगे, बहुत जेन्युइन बात की है अरविंद जी ने, जो समस्या वो बता रहे हैं वो वास्तव में आम आदमी की समस्या, अम्बेडकर नगर में भी बहुत सामान्य व्यक्ति है जिसे व्हाट्सएप पे धमकी मिल रही है गणेश पूजा करने के बाद, जो सहारनपुर में हो रहा कलावा और तिलक को लेकर तकरार हो रही है, ये समाज में हम इसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हर तरफ से पहल होनी चाहिए और इन लोगों की मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा, जो इस तरीके की मानसिकता को तैयार करें। ये कैसी मानसिकता है? ये वही लोग हैं जो एनआरसी और सीए में लगातार सरकार का विरोध करते रहे, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने फौजियों पे पत्थर फेंका, अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और खंडित खंडित करने का नारे लगाए, विघटन की बात कीजिए, वही ताकतें जो छोटी मोटी बातों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये वही लोग हैं जो मदरसों से शिक्षा लेकर निकलते हैं, दाढ़ी भले बड़ी कर ले, टोपी भले बड़ी बड़ी लगा ले, लेकिन उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं होती और वो हिंदुस्तानी संस्कृति के खिलाफ है। चलिए हमारे पास वक्त की कमी है, हम दूसरे मेहमानों को मौका नहीं दे पा रहे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन फिलहाल आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।